अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट है, रेस्पिरेशन एनर्जी फ्रॉम फूड। हाफ चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, आज हम लोग हाउ वी ब्रीथ की हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। ब्रीदिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेनी ऑफ द बॉडीज अदर एक्शंस। वी कैन अल्टर हाउ क्विकली और हाउ डीपली वी ब्रीथ फॉर अ शॉर्ट टाइम, बट एज सून एज वी स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट आवर ब्रीदिंग गोज बैक टू नॉर्मल। यानी कुछ हद तक ये वॉलंटरीली काम होता है ब्रीदिंग का, लेकिन जब आप सोचना छोड़ देते हैं कि आप सांस ले रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली सांस लेते ही रहते हैं, ठीक है। अगर आपने सांस रोकनी है तो आप कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं। When we breathe our chest changes shape. These movements are brought about by movement of the ribs and diaphragm. Diaphragm एक muscular dome like structure होता है जो कि abdomen और thorax को separate कर रहा होता है। Diaphragm is a tough dome shaped sheet of muscle across the bottom of the chest. It helps to make the chest into an airtight box. जिस तरीके से कि हम अंदर, मतलब airtight box का मतलब ये है कि अंदर हवा ना जा सके या अंदर से बाहर ना जा सके। एयर टाइट बॉक्स की तरह डायफ्राम काम करता है। बोथ द रिब्स एंड डायफ्राम आर मूव्ड बाय मसल्स। दोनों मसल्स से मूव होते हैं। ईच पेयर ऑफ रिब्स हैज़ मसल्स कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। वो मसल्स जो रिब में प्रेजेंट हैं दे आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। बिटवीन दैम टुगेदर द इंटरकोस्टल मसल एंड द मसल्स ऑफ द डायफ्राम कैन मेक द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी लार्जर और स्मॉलर। और ये इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का काम करते हैं दोनों, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम की मसल्स। व्हेन वी ब्रीद इन और इनहेल, जब हम सांस अंदर लेते हैं, the diaphragm is pulled down and the rib cage is pulled upwards. The space between the chest becomes bigger. और जैसी space between the chest bigger होती है, air rushes into the lung to try to fill up the extra space. जब हम सांस लेते हैं तो dome like structure जो diaphragm है वो नीचे चला जाता है और जो rib के muscles हैं, जो rib cage है वो ऊपर हो जाता है, यानी अंदर की chest खाली हो जाता है, अंदर का space ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे pressure कम हो जाता है तो फिर बाहर से जो एयर होती है वो अंदर हम इनहेल कर लेते हैं, जो बाहर से हवा होती है वो अंदर लंग्स में आ जाती है। और एक्सहेलिंग का मेथड इसी के अलग है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे जो मसल्स इंटरकोस्टल, जो डायफ्राम का मसल है वो डायफ्राम में वो वापस ऊपर आ जाता है और जो रिब केज वो वापस नीचे आ जाता है। प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जो कि बाहर निकालना ज़रूरी होता है और उसकी वजह से हम लोग फिर एयर को एक्सहेल आउट करते हैं। ये नीचे वाला पैराग्राफ आप लोग खुद देख लीजिएगा, ये इसमें यही लिखा हुआ है। मेकिंग द एयर मॉइस्ट वार्म एंड क्लीन। यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम ऑन पेज नंबर 10 दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर एयर टू एंटर द लंग्स थ्रू आइदर द माउथ और नोज। इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू ब्रीद इन थ्रू द नोज। दिस इज़ बिकॉज जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल्स आर फिल्टर्ड आउट बाई द हेयर्स इन साइड द नोज एंड नेजल कैविटी। आप नाक से सांस ले रहे होते हैं और नाक में जो एक छोटे हेयर होते हैं दे आर कॉल्ड सीलिया, और उसमें म्यूकस होता है जो कि एयर को वार्म अप करता है और जो सीलिया है वो वाइप आउट करता है बैक्टीरिया डस्ट पार्टिकल्स को। द एयर इज़ ऑल्सो वार्म बाय द ब्लड वेसल्स इन द नोज एंड मॉइस्टेंड बाय द स्लाइमी म्यूकस प्रोड्यूस बाय इट्स लाइनिंग। वही वाली बात, ब्लड वेसल्स भी एयर को वार्म करने में हेल्प करती हैं और एयर को वार्म किया जाता है टू द बॉडी टेम्परेचर। द एयर इज़ फर्दर वार्म्ड बाय द मेनी ब्लड वेसल्स दैट लाइन द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी को लाइन करी हैं कुछ ब्लड वेसल्स, वो उनको वार्म करती हैं एयर को मजीद। एंड जम्स दैट आर इन द एयर यू हैव ब्रीद एंड गेट कॉट इन द म्यूकस एंड आर वाफ्टेड टूवर्ड्स द थ्रोट बाई टाइनी हेयर कॉल्ड सीलिया दैट प्रोटेक्ट द नेजल पैसेज वे एंड अदर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। If you breathe in through the mouth, dirty, dry, cold air can enter your lungs. अगर आप सांस लेते हैं मुंह से तो वहाँ पे कोई सीलिया नहीं होता और कोई म्यूकस नहीं होता, तो वो डर्टी जहाँ उसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो वाफ्ट आउट नहीं कर सकेंगे क्योंकि सीलिया ही नहीं होगा और म्यूकस जो है वो वार्म अप नहीं कर सकेगा, इसलिए एंड कहते हैं कि नोज़ से सांस लेनी चाहिए। द विंड पाइप ट्रैकिया ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स आर ऑल लाइंड विद सेल्स। Some of these cells produce mucus which moistens the air as it is breathed in. ठीक है, ये ख़ास किस्म के सेल होते हैं एपिथीलियम, इनसे लाइंड अप होते हैं और ये जो है म्यूकस को एक्सक्रीट करते हैं जो कि एयर को मॉइस्टन करती है। द ब्लड वेसल्स अराउंड द विंड पाइप ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स कैरी वार्म ब्लड। दिस वार्म्स द एयर। ऑक्सीजन इन द वार्म मॉइस्ट एयर कैन देन पास थ्रू द एयर सैक्स मोर इजीली।
ब्लड वेसल्स के अंदर थोड़ा सा वार्म ब्लड मूव कर रहा होता है और वो जो है वो एयर को वार्म करता है, और फिर इस तरीके से वो एयर सैक्स में ज़्यादा आसानी से एयर जा सकती है। एज द लंग्स आर सच वाइटल ऑर्गन्स, दे मस्ट बी केप्ट क्लीन। सम ऑफ द सेल्स लाइनिंग द एयर ट्यूब्स हैव स्मॉल हेयर स्टिकिंग आउट इन टू द ट्यूब्स। दीज सिलिया आर ऑलवेज मूविंग, दे मूव इन वेव्स लाइक अ ब्रश की तरह, ये वेव्स में मूव कर रहे होते हैं और ये स्वीप कर देते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको। मूवमेंट ऑफ द सीलिया स्वीप्स म्यूकस एंड एनी रिमेनिंग डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स टूवर्ड्स द माउथ। द डर्टी म्यूकस कैन बी ब्लोन आउट ऑफ द नोज इनटू अ हैंडकरचीफ और टिश्यू। ठीक है, उसके बाद आप टिश्यू से अपनी नोज से साफ कर लेते हैं। एनी म्यूकस दैट गेट्स इनटू द थ्रोट इज कफ्ड अप और स्वॉलोड व्हेन इट गोज टू द स्टमक। और कोई भी ऐसा म्यूकस जो आपके थ्रोट में चला जाए, वो आप खांसी कर लेते हैं या फिर वो आप उसे स्वॉलो कर लेते हैं और वो डाइजेस्टिव से आपके स्टमक में चला जाता है। देयर द एसिड इन द स्टमक किल्स एनी जर्म्स, और जो HCL है उसका तो काम ही जर्म्स को मारना है, तो वहाँ पे वो जर्म्स को किल कर देता है। ना नेक्स्ट है डिजीज़ ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। कुछ डिजीज़ हैं जो रिस्पायरेटरी सिस्टम की, वो आज हम पढ़ेंगे। अ कफ इज़ अ सडन क्लियरिंग ऑफ द एयर पैसेजेस बट कफिंग टुगेदर विद स्नीजिंग एंड अ ब्लॉक्ड कफ से जो है वो पैसेज वे क्लीन होती हैं, एयर पैसेज वे क्लीन होती हैं, लेकिन कफिंग जो है टुगेदर विद स्नीजिंग एंड अ ब्लॉक्ड रनिंग नोज आर साइन दैट यू हैव अ कोल्ड। अक्सर बुखार होता है तो आपको खांसी भी होती है, तो उससे आपके एयर पैसेज वे ठीक क्लियर नहीं हो रहा होता, बल्कि दैट इज़ अ डिजीज ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। कोल्ड्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस विच इन्वेड द सेल्स लाइनिंग द नोज एंड थ्रोट causing them to break down. This gives you a sore throat and a runny nose. कुछ वायरसेस होते हैं जो एपिथीलियम को लाइन कर रहे होते हैं, जो सेल लाइन कर रहे होते हैं ना नोज़ और थ्रोट को, उनको ब्रेक डाउन करवाते हैं, उधर से आपकी रनी थ्रोट होती है, रनी नोज़ होती है और सोर थ्रोट हो जाता है आपको, यानी गला ख़राब हो जाता है और नाक बहना शुरू हो जाती है। एज येट देर इज़ नो क्योर फॉर अ कोल्ड, ऑल दो सम मेडिसिन कैन रिलीव सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द कोल्ड। आप कुछ मेडिसिन लेते हो जो कि पेन किलर होती हैं या कुछ आपको आराम देती हैं, लेकिन देर इज़ नो क्योर फॉर अ कोल्ड। If you are healthy, your body will quite quickly overcome the cold viruses. अगर आप healthy हैं, आपका immune system strong है, तो वो आराम से आपको बुखार आपको आराम आ जाएगा। Eating a healthy balanced diet, getting plenty of sleep and fresh air will all help. ये सारी चीज़ें आपको help करेंगी। Use a tissue or handkerchief to stop the viruses being shot in the air or infecting other people. अब virus चला हुआ है कोरोना वायरस, तो कहा जाता है कि आपने एक ख़ास किस्म का स्टाइल है खांसने का भी, कफ़ करने का भी, तो आपने उस तरीके से खांसना है, और या फिर आपने हैंकरचीफ यूज़ करना है, कोई रुमाल यूज़ करना है, कोई टिश्यू पेपर यूज़ करना है, ताकि वो फैले ना। इन्फ्लुएंजा और फ्लू। इन्फ्लुएंजा इज़ कॉज बाय अ वायरस, ऑल्दो इट इज़ अ डिफरेंट वायरस फ्रॉम द वन दैट कॉजेज कोल्ड, इवन दो सम ऑफ द सिम्टम्स आर सिमिलर। अच्छा, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है। द फ्लू वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू द आइज, नोज और माउथ एंड ट्रेवल्स डाउन टूवर्ड्स द लंग, लंग्स की तरफ जाता ही है। वंस द वायरस इज इन द विंड पाइप, ब्रोंका एंड ब्रोंक्योल्स, इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग। वहाँ पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाता है ब्रोंका एंड ब्रोंक्योल्स में। द फर्स्ट सिम्टम्स आर आ रनी नोज, सोर थ्रोट और कफ। एज द बॉडी ट्राइज टू ओवरकम द वायरस, इट रिलीज सब्सटेंसेस टू ट्राई टू फाइट इट। कुछ बॉडी जो है वो इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि कोई चीज़ एंटर हो गई है, कोई वायरस एंटर हो गया, तो फिर वो ऐसी सिक्रीशंस या ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं जो कि उस वायरस को फाइट करती हैं। दीज कॉज प्रॉब्लम्स एल्सवेयर इन द बॉडी इंक्लूडिंग एकिंग मसल्स, हेडेक्स, फीवर एंड वीकनेस। एज इससे फिर वीकनेस होती है, फीवर होता है, मसल्स एक करती हैं और हेडेक्स। एज विद कोल्ड देर आर मेडिसिन टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा बट नो रियल क्योर। इसी तरीके से कोई क्योर नहीं है, लेकिन आप उसे आराम दिला सकते हैं थोड़ी देर के लिए पेशेंट को। देर आर वैक्सीन दैट कैन बी इंजेक्टेड टू ट्राई टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, बट द प्रॉब्लम इज दैट द वायरस कीप्स चेंजिंग एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड वैक्सीन क्विकली इनफ टू फाइट ईच न्यू फॉर्म ऑफ वायरस। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और जितनी सारी मेडिसिन बनती हैं, उतनी ज़्यादा वायरस और बैक्टीरिया पावरफुल हो जाते हैं। तो ये ऐसी बीमारी है कि इसका क्योर अभी तक ढूंढा नहीं जा सका, और क्योंकि वायरस इसकी शेप चेंज करता रहता है, तो हर टाइप ऑफ वायरस के लिए अलग अलग मेडिसिन नहीं बनाई जा सकती। एज विद कोल्ड्स इन्फ्लुएंजा मे मेक यू स्नीज, इट इज़ योर बॉडीज वे ऑफ ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द वायरस दैट मेड यू एल, बट द एवरेज स्नीज विल स्प्रेड ओवर 100,000 वायरसेज अप टू 10 meters. Therefore,
ऑलवेज यूज़ अ टिश्यू और हैंकरचीफ सो दैट यू डू नॉट इन्फेक्ट एवरीवन अराउंड यू. इसी तरीके से कफ़ का भी यही सिस्टम था, स्नीजिंग का भी यही है कि आप हैंकरचीफ और उसका यूज़ करें, टिश्यू पेपर का यूज़ करें ताकि जो आपके सामने बैठा हुआ है उसको आप इन्फेक्ट ना करें, क्योंकि ये जो वायरस है ये 10 meters तक, 100,000 वायरसेस जो हैं ये 10 meters तक जा सकते हैं. तो आप लोगों ने पास थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग होती है और थोड़ा टिश्यू पेपर और हैंकरचीफ पर थोड़ी एहतियात होती है, ठीक है. एस्मा इज़ अ डिज़ीज़ इन विच द मसल्स इन द ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एयर टू रीच द लंग्स. आपके ब्रोंकाई की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उस तरीके से एयर जो है वो लंग्स में नहीं पहुँचती और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है. वन फॉर्म ऑफ एस्मा ट्रीटमेंट इज़ टू यूज़ एन इनहेलर. इनहेलर यूज़ किया जाता है यूजली इस डिज़ीज़ में, इनहेलर यूज़ किया जाता है. दिस कंटेन्स अ ड्रग दैट रिलैक्सेस द मसल्स ऑफ द ब्रोंकाई मेकिंग इट ईजियर टू ब्रीथ. और फिर ब्रोंकाई के जो मसल्स हैं उनको ये इन थोड़ा सा ना थोड़ा लेस सेंसिटिव बना देती है. वो सेंसिटिव होते हैं इसलिए वो कोई भी पोल्यूटेंट की वजह से ना कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं और उसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है. तो दैट इट रिलैक्सेस द मसल ऑफ द ब्रोंकाई मेकिंग इट ईजियर टू ब्रीथ. ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स सीम टू बी एबल टू ब्रिंग ऑन एन एस्मा अटैक. कोई भी चीज़ है वो एस्मा अटैक दे सकती है. डॉग्स एंड कैट्स कॉज एस्मा अटैक्स इन सम पीपल. यूजुअली कहते हैं कि डॉग्स और कैट्स के बाल अगर इनहेल हो जाएं तो उनकी वजह से भी एस्मा हो सकता है. टोबैको स्मोक कोल्ड एयर एक्सरसाइज एंड इवन लाफिंग कैन कॉज अटैक्स. वरी एंड स्ट्रेस कैन मेक एस्मा अटैक्स वर्स. स्ट्रेस लेने से और ख़राब जाता है. रियली बैड अटैक्स विच फोर्स पीपल टू गो इनटू हॉस्पिटल्स ऑफन हैपन आफ्टर अ वायरस इन्फेक्शन of the nose or chest. Some people get asthma from dust or fumes at work. यानी pollutants बता रहे हैं. However, there is no strong evidence to link asthma to air pollution. Of course, other things help to decide whether you get asthma in the first place. Not just one attack, but this disease as a whole. You can inherit the tendency to develop asthma from one or both of your parents. आप ये genetically अपने parents से भी ले सकते हैं. और ऐसा नहीं होता कि आपको ये बीमारी है, आज मुझे asthma attack हुआ, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा. मतलब वो attacks होते हैं, जिस तरीके से panic attacks होते हैं इस तरीके से asthma attacks होते हैं. सांस बंद हो जाती है इनहेलर का यूज़ करते हैं, इसलिए जो भी इसके पेशेंट्स होते हैं वो अपने पास इनहेलर रखते हैं, ठीक है. टोबैको स्मोक, और आप ये नहीं कह सकते कि ये हुआ कैसे, ठीक है पेरेंट्स होता है तो आपको पता होता है कि आपको फादर को है तो आपको हो गया तो उनसे हुआ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कब हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है, कब से अटैक होना स्टार्ट हुए थे, आगे होगा, कुछ नहीं पता होता इसका, ठीक है. स्मोकिंग टोबैको, इसलिए इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं. सम ऑफ द वर्स्ट एंड अवॉइडेबल डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम रिजल्ट फ्रॉम स्मोकिंग टोबैको. मोर देन 300 डिफरेंट केमिकल्स हैव बीन फाउंड इन सिगरेट स्मोक. They include a drug called nicotine. This drug is addictive and speeds up the heartbeat. Heartbeat को speed up करती है nicotine, जो कि cigarette smoke में present होती है, एक carcinogen है. And narrows the arteries so causing high blood pressure. और blood pressure को high करती है, ठीक है, blood pressure तेज करती है because arteries को narrow कर देती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती हैं. ऑल्सो इन टोबैको स्मोक इज टार जो है वो एक कार्बन कंपाउंड है. दिस कोट्स द लाइनिंग ऑफ द लंग्स एंड मेक्स हम लेस एबल टू टेक इन ऑक्सीजन. और ये ऑक्सीजन के साथ इशू करते हैं, ऑक्सीजन कम इनहेल की जा रही होती है. द टार कंटेन्स द केमिकल दैट कैन कॉज लंग कैंसर. लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं टार. स्मोकर्स आर अबाउट 14 टाइम्स मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम लंग कैंसर दैन नॉन स्मोकर. 14 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके मरने के लंग कैंसर से एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स. टोबैको स्मोक ऑल्सो कंटेन्स द पॉइजनस गैस कार्बन डाइऑक्साइड. दिस जॉइंस अप विद द रेड ब्लड सेल्स स्टॉपिंग देम फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी. ये रेड ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को ख़त्म करता है, ऑक्सीजन कैरिंग, क्योंकि जब कार्बन जाके अटैच हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ तो फिर ऑक्सीजन नहीं हो पाती. और हीमोग्लोबिन क्योंकि ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कर रही होती है. और इस तरीके से फिर लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है. द फर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ टोबैको स्मोक आर दैट द ब्रोंकियोल्स नैरो एंड द सीलिया लाइनिंग द एयर वेसेस स्टॉप बीटिंग. यानी सीलिया मूव करना छोड़ देता है वेव्स की तरह, ब्रश की तरह, और जो टोबैको स्मोक है वो ब्रोंकियोल्स को नैरो कर देता है. स्मोक ऑल्सो मेक्स द लाइनिंग ऑफ द एयर पैसेज प्रोड्यूस मोर म्यूकस. म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू जाती है, यानी ज़्यादा बलगम आना शुरू जाती है. दिस कलेक्शन द ब्रोंकियल कॉजिंग अ स्मोकर्स कफ. और इस तरीके से खांसी होती है.
उसको कहते हैं स्मोकर्स कफ. विद प्रोलॉन्ग्ड स्मोकिंग सम ऑफ द सब्सटेंसेस इन टोबैको वीकेंस द वॉल्स ऑफ द एल्वियोला. एल्वियोला की वॉल्स को वीक कर देते हैं. इंसेसेंट स्मोकर्स कफ में इवेंचुअली बर्स्ट सम ऑफ द वीकेंड एल्वियोलाई इन टाइम. द एब्जॉर्बिंग सर्फेस ऑफ द लंग इज ग्रेटली रिड्यूस. इस तरीके से जब एल्वियोलाई डैमेज हो जाता है तो वहाँ पर इन इलास्टिक टिश्यूज़ जो हैं सब्सटीट्यूट हो जाते हैं और वो इन इलास्टिक क्योंकि वो नहीं हो सब पा रहे होते यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पा रहे होते तो फिर उससे ये होता है कि जो ऑक्सीजन की का इशू होना शुरू हो जाता है. ठीक है, सरफेस एरिया कम हो जाता है. देन द स्मोकर कैन नॉट ऑक्सीजनेट हिज ब्लड और उससे ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा होता. द डैमेज एल्वियोला एंड द इफेक्ट्स ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड कैन मेक द स्मोकर ब्रेथलेस एंड एग्जॉस्टेड एट द स्लाइटेस्ट मोशन और एट द स्लाइटेस्ट एग्जर्शन. छोटी सी काम करते हुए भी आपकी सांस फूल जाती है. दिस डिजीज़ इज़ नोन एज एम्फिसिमा. इस डिज़ीज़ को कहते हैं एम्फिसिमा. अनदर इफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोक इज दैट व्हेन द सीलिया एंड द एयर पैसेज विल स्टॉप बीटिंग एंड द एक्सेस म्यूकस कलेक्ट्स इन द ब्रोंकाई ब्रीदिंग ट्यूब्स बिकम इन्फ्लेम्ड. ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है ब्रीदिंग ट्यूब्स में. दिस इन्फ्लेमेशन इज़ नोन एज ब्रोंकाइटिस. Over 95% of the people suffering from bronchitis are smokers and they have a 20 times greater chance of dying from bronchitis than non-smokers. ठीक है, 95% people जो हैं वो bronchitis से suffer कर रहे हैं and 20 times इनके ज़्यादा greater chances होते हैं मरने के bronchitis से as compared to non-smokers. Anyway, even if you do not smoke yourself, there are still risks from tobacco. आपको पता है passive smoking ज़्यादा ख़तरनाक है as compared to active smoking. जो smoker जो smoking कर रहा होता है उसको कम नुकसान हो रहा होता है, उसके सामने जो बंदा बैठा हुआ है जो वो सारी चीज़ें जो ज़्यादा सारा स्मोक सूंघ रहा है उसको ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है. इसलिए अगर आपके सामने कोई बैठा हुआ है स्मोकिंग कर रहा है तो मना कर दिया करें. देर आर स्टिल रिस्क फ्रॉम टोबैको. इट हैज़ बिन शोन दैट रिपीटेड ब्रीदिंग इन ऑफ स्मोक फ्रॉम अ नियर बाय स्मोकर नोन एज पैसिव स्मोकिंग. पैसिव स्मोकिंग ये है कि अगर मेरे सामने कोई बैठा हुआ स्मोक कर रहा है तो वो एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है और मैं पैसिव स्मोकिंग कर रही हूँ. ठीक है, नोन एज पैसिव स्मोकिंग कैन ऑल्सो डैमेज योर हेल्थ. तो पैसिव स्मोकिंग जो है वो एक्टिव स्मोकिंग से ज़्यादा ख़तरनाक है.